होगा ना। क्यों? हाँ शायद, पता नहीं। अरे देखा करो, क्योंकि हमें बार बार निकालना पड़ता है। पैडवे से हम कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी लाइट का सिस्टम यहाँ बड़ा लगा है, बहुत लाइट है लेकिन कोई ढंग का काम नहीं करती है, बड़ी तेज गुस्सा आती है। अब धीरे धीरे हम एडजस्ट कर रहे हैं चीजों को। आईपैड खाली होगा तो कुछ काम बनेगा। बटर पेपर लगाना है, मतलब बटर पर नहीं ले पा रहे। इधर मासी बटर पर मिल जाएगा ना कहीं, क्या होता है ये पता ही नहीं। अच्छा हाँ तो बटर पेपर नहीं पता है तुमको, जो ट्रेस करते हैं, ट्रेस पेपर जो हल्का सा आता है कॉपी के कई। हाँ तो मुझे क्या बताना होगा? आप हमसे पहले से आ रहे हैं, आपको बताऊंगी। अरे हम बहुत पहले पैदा हो गए थे तुमसे, है ना, हम यहाँ हमेशा पता रहने है। का बात अरे कर रहे हैं, हमको कॉपी की दुकान मिलेगा कहाँ मिलेगा इसे पता होना चाहिए ना। यूज पीरियोडिक टेबल चाहिए। अरे नहीं करना है। बाकी जो हाँ चीजें खत्म उसका क्लासिकल वाला पार्ट बचा है, वापस आएंगे अभी क्वेश्चन कराएंगे, क्लासिकल वाला पार्ट करा देंगे। पीरियोडिक हो गया? प्रॉपर्टीज टेबल वाला चाहिए, पीरियोडिक टेबल। आईपैड उसमें चला जाता है, बड़ा दिक्कत होती है। तो केमिस्ट्री में तुम्हारे में बी नंबर क्या क्या आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स और रेडॉक्स। बाबा थर्मोडायनेमिक्स बताओ। अच्छा देखने आ रहा है। क्या चल रहा है अंदर? टेबल आ गया। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल, जो भी क्या चैप्टर का नाम है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जितने भी हैं 116, 17, 18, जो भी हम लोग कहें, है ना, लेकिन वो कहाँ अरेंज्ड है? वो अरेंज है इन वर्टिकल कॉलम्स में, ठीक है, या यूं कहें इन हॉरिजॉन्टल रोज में। तो ये हमारे पास कुल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये कॉलम नंबर 1 हो गया, कॉलम नंबर 2 हो गया, कॉलम नंबर 3 हो गया, कॉलम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये 18 कॉलम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ठीक है। क्लासिकल के हिसाब से 1A, 1B की बात करेंगे हम लोग। चलिए वो क्लासिकल तो बाद में बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की सारी बातें कर लेते हैं। अब ये हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो ये रो नंबर 1 हो गई, रो नंबर 2 हो गई, रो नंबर 3 हो गई, रो नंबर 4 हो गई, रो नंबर 5 हो गई, रो नंबर 6 हो गई और रो नंबर 7 हो गई। तो दीज आर द 7 रोज। इन रोज को हम लोग कहते हैं पीरियड्स। अब एलिमेंट्स जो होंगे इन्हीं में अरेंज होंगे। जैसे सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। उसके बाद जो आपका आखिरी एलिमेंट होता है या दूसरा एलिमेंट होता है वो हीलियम होता है। इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे। इसका मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड।
दैट कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स. अब ये जो पूरा का पूरा आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ये डिफरेंट जोन में डिवाइडेड होता है, ये चार ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है. हम कह सकते हैं ये स्पेस है और इस कॉलोनी को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट हो गया हमारा एस ब्लॉक, ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ठीक है, ये एस ब्लॉक है. तो बहुत सारे एलिमेंट एस ब्लॉक में होंगे. और आगे जाके आखिरी जो सिक्स है, इन्हें कहा जाता है पी ब्लॉक, मतलब 13 से लेके 18 तक. तो अगर 13 ये है तो 13 से लेके 18 तक हम लोग कहेंगे ये हमारा क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया. ये पी ब्लॉक हो गया, ठीक है. उसके बाद जो आपका एस और पी के बीच में जो बचा है, दैट इज कॉल्ड द डी ब्लॉक, इसे हम लोग डी ब्लॉक कहेंगे. ठीक है, दैट इज डी ब्लॉक. अब हम लोग बात करना है, हम लोग को जब भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, है ना, उसकी पोजीशनिंग क्या है, ताकि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम लोग क्या बता पाए, उसके केमिकल बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाए, है ना. या हम लोग यहाँ पे कैसे याद रखते हैं, तो कुछ तरीके होते हैं जो निमोनिक्स होते हैं, है ना, अपने अपने सबके निमोनिक्स होते हैं, वो निमोनिक के जरिए हम लोग याद कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे कहते हैं हेलिना, हेलिना की, है ना, रब से सीएस फरियाद, एफ आर होता है, फ्रांसियम होता है, ठीक. तो ये कहा जाता है दैट इज द फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट हो गए, दीज आर द सेवन एलिमेंट, सारे के सारे रोज में एलिमेंट पड़े हुए हैं. इसी तरह से यहां पे क्या हो गया आपका सेकेंड, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, ठीक है. तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, जैसे भी याद कर लीजिए आप, है ना, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है, तो जैसे भी याद कर लीजिए, है ना. कार स्कूटर का जमाना तो है नहीं, कन्या सुंदर मान सकता है. तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप को हम एस ब्लॉक कहते हैं. तो एस ब्लॉक के ये सारे एलिमेंट्स हो गए. जो हमारा पहला ग्रुप है इसे हम एल्कली मेटल कहते हैं. क्यों एल्कली मेटल कहते हैं, कि जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है. इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल दोज बेस विच आर वाटर सॉल्युबल आर कॉल्ड द एल्कलीज. ये एल्कली फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट टू द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल हो गया, एक्सेप्ट टू द हाइड्रोजन. जितनी भी गैसेस होती हैं अंडरस्टूड है, वो नॉन मेटल होंगी. जो मेटल होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट टू मरकरी. रूम टेम्परेचर पर मरकरी को छोड़ के बाकी सब सॉलिड होते हैं, ना. तो गैसेस जाहिर सी बात है नॉन मेटल होंगे. तो हाइड्रोजन क्या हो गया आपका नॉन मेटल, बाकी सब मेटल है यहाँ पे, है ना. उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक में आ जाते हैं. तो पी ब्लॉक में सबसे पहले जो पहला एलिमेंट होगा बोरान होगा, है ना, बोरान, ठीक है. बोरान के बाद ये बोरान, इसके नीचे जितने लोग आएंगे, क्योंकि बोरान पहला मेंबर है इसीलिए ये फैमिली बोरान फैमिली के नाम से जानी जाती है, ठीक है. आपको फ्यूचर में इसी तरह सब बोरान फैमिली मिलेगी. और बोरान के बाद आपका क्या हो गया कार्बन फैमिली, है ना. तो नीचे जितना लिखा जाएगा, जितने मेंबर होंगे, दीज आर नोन एज ए कार्बन फैमिली, ठीक है. इसी तरह से नाइट्रोजन होता है, तो ये इसके नीचे जितने लोग लिखे जाएंगे दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फैमिली. उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन फैमिली या चेलकोगन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानी है इसको, ये ऑक्सीजन फैमिली हो गई. और ये फ्लोरीन के नाम से नहीं जाना जाता, ये हैलोजन फैमिली कही जाती है, ठीक है. और दीज आर द इनर्ट गैसेस. तो ये आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे बैगन आलू या बाबू अली गए इंडिया थैला लेकर, इंडिया थैला लेकर, थैलियम होता है, टीएच होता है थैलियम, ठीक है.
तो ये याद रखेंगे आप, है ना। इसी तरह से कार्बन फैमिली को कैसे याद रखेंगे, कार्तिक, शिव, गणेश, ठीक है, ये जीए होता है, गणेश, संग, पार्वती, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ये याद रखेंगे, इसका निमोनिक हो गया। ये नाइट्रोजन फैमिली का, नानी, पापा, पी हो गया पापा, आशु, सब बीमार, SB एंटीमनी होता है, सब बीमार, बिस्मत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रहेगा आपको। इसी तरह से अगर ना आए एग्जाम में तो क्या कहते हैं, उससे टीपो, है ना, उससे क्या हो जाएगा, टीपो, पोलोनियम हो गया, अरे छापो, अब सही है, टीपो रहेगा ना, टीपो, उससे टीपो। उसके बाद यहाँ पे जो हैलोजन फैमिली है ना, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, या फेस CBI एट योर होम, जो भी याद, ज्यादा पहला वाला ज्यादा सही है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद आपका जीरो ग्रुप हो गया, या हम लोग कहते हैं टींथ ग्रुप हो गया, इनर्ट गैसेस होती हैं इसमें, क्या हो गया, हे नानी, आराम कर, आराम कर, जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो एटलीस्ट आपको क्या याद हो गया, जो निमोनिक हमने बता दिया एस ब्लॉक का, ठीक है, जो एस ब्लॉक के निमोनिक हो गए, और ये क्या हो गया आपका, पी ब्लॉक का। तो जो आपको पढ़ना है ना, 11th क्लास में पढ़ना है, तो ये नहीं ग्रुप के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब इनके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। 12th में आप जब जाएंगे तो 12th में आपको बताया जाएगा डी ब्लॉक के बारे में, वहां डी ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो 3D सीरीज का एनालिसिस कराया जाएगा, 4D सीरीज का, 5D सीरीज, 4D सीरीज का एनालिसिस कराया जाएगा। लेकिन आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ये सारे एलिमेंट्स आपको आने चाहिए। एक बार ये सीख जाएंगे तो हम लोग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी रिकवर कर सकते हैं यूजिंग द मैजिक नंबर्स। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, 3D सीरीज इसे कहते हैं ना, तो 3D सीरीज में आपका क्या आ जाएगा, 3D सीरीज यहां से आएगा। तो इसका मतलब कि जो D है, हम लोग जानते हैं कि पहला K सेल होगा इनके पास, सिर्फ जितने भी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ 1 होता है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ K सेल होगा, या S सब सेल होगा। इसके बाद कौन कौन सा सब सेल होगा, सेकेंड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका मतलब L वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसका मतलब इस पीरियड के एलिमेंट के पास S सबसेल भी होगा और P सबसेल भी होगा, लेकिन D, F ये सारे अब्सेंट होंगे। यहां से पहली बार थर्ड पीरियड से, इसका मतलब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N इक्वल टू 3 होगा, तब क्या होगा, L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, 0 होने का मतलब इसके पास S सबसेल है, 1 होने का मतलब इसके पास P सबसेल भी होगा, और 2 पॉसिबल होने का मतलब इसके पास डी भी होगा। तो पहली बार जो डी की अवेलेबिलिटी होगी वो कहां से होगी, थर्ड पीरियड से होगी। इसका मतलब सेकेंड पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट, 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये शॉर्ट पीरियड है। ये क्या था, पीरियड नंबर 1 शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। पीरियड नंबर 2 क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड हो गया, दैट कंटेन 8 एलिमेंट। इसी तरह से जो हमारा फोर्थ और थर्ड पीरियड हो गया, SC या सनकी तिवारी, VCR, मत, फेको, निकल, कॉपर, जिंक का बना है, है ना। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, कि सनकी तिवारी, VCR, मत, फेको, निकिल, कॉपर, जिंक का बना है, है ना। तो ये क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड द डी ब्लॉक, ये सब के सब क्या है, डी ब्लॉक है। और यहां से लेके यहां तक ये डी ब्लॉक हो गया। तो ग्रुप नंबर कहां से, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये 10 एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके नीचे सारे एलिमेंट्स हम लोग याद निमोनिक आपको दे देंगे, वो याद कर लेंगे, लेकिन अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत है S ब्लॉक और P ब्लॉक की, ठीक है।
नोट करना है पूरा बना के सर। और क्या क्या जी, तो हम लोग जानते हैं पीरियड वन क्या, नोट कर लेंगे थोड़ा सा इसमें पॉइंटर्स। जो पीरियड वन है, पीरियड वन इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। इट कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स, इट कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन कॉमा हीलियम। नोट करो। सिमिलरली पीरियड टू, पीरियड टू को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट पीरियड कहेंगे। दैट कंटेन एट एलिमेंट्स। तो यहां पे हम लोग करेक्शन कर लेंगे सेकेंड स्टेटमेंट के लिए, पीरियड टू। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट हो गए? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन हो गया। तो दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड, नॉट शॉर्टेस्ट। दैट कंटेन एट एलिमेंट्स। और नेमली हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि कितने लोगों को लिस्ट करते रहेंगे, देख तो रहे ही है। ठीक है, जो पीरियड थ्री है, पीरियड थ्री में ये 10 एक्स्ट्रा लोग जुड़ जाएंगे, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना, ये 10 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इसका मतलब कि जो पीरियड थ्री है वो लॉन्ग पीरियड हो जाएगा, दैट इज लॉन्ग पीरियड। एंड दैट कंटेन 8 तो वो है ही है, और 10 और आ गए तो कितने हो गए? 18 एलिमेंट्स। ठीक है, तो दैट कंटेन या इट कंटेन 18 एलिमेंट्स, वो मैजिक नंबर होता है। ठीक है, सिमिलरली जो फोर्थ पीरियड है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, जो सिक्स्थ हो जाए, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये कहा जाएगा लॉन्गेस्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ क्या हो गए? लॉन्ग पीरियड हो गए, लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ क्या कहा जाएगा? लॉन्गेस्ट पीरियड। क्यों लॉन्गेस्ट पीरियड होता है? यहां पे कुछ 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट आते हैं, है ना, जिनको हम अलग से नीचे शो करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, उनकी पोजिशन एक्चुअली यहीं पे है ना, लेकिन एक के ऊपर एक रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए उनको हम अलग डिस्प्ले कर देते हैं। वो क्या कहे जाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। और चूंकि उनकी गिनती इसी पीरियड में होती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि 14 और लोग जुड़ गए, और 14 और लोग अगर जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 18 तो पहले थे, तो 18 प्लस 14 कितने हो जाएंगे? 32। तो 32 फोर्थ और क्या हो जाएगा? फिफ्थ एंड सिक्स। और सेवेंथ पीरियड जो हो गया, ये इनकम्प्लीट हो गया, अभी भी कुछ एलिमेंट, ठीक है, खोजे जाने बाकी हैं, इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट बचे हुए हैं। लॉन्गेस्ट, कुछ एलिमेंट जो है ये इनकम्प्लीट है सेवेंथ वाला पीरियड, है ना, इसीलिए इसे कहते हैं इनकम्प्लीट।
अब हटा दे इसे, ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ आप नंबर्स देखते हो है ना, एटॉमिक नंबर रिकवर करना मैजिक नंबर की हेल्प से। क्या क्या मैजिक नंबर है? 2 है, फिर 8 है, 18 है और 32 है। दीज आर द मैजिक नंबर्स। अब इनका सेट याद रखना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है सबको याद होता है, कितना होता है? 2 होता है। अब इसमें से मैजिक नंबर हम ऐड करेंगे 8। जब 8 ऐड करेंगे आप यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? 10। इसका मतलब नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 हो गया। देन आप फिर एक बार ऐड 8 ऐड करोगे, ठीक है, 8 रिपीट कर दिया 2 बार तो कितना हो जाएगा? 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट अब 8 नहीं ऐड करोगे, अगला मैजिक नंबर कौन सा? 18 ऐड करेंगे। तो 18 ऐड करेंगे, 18 पहले से था, अब क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। देन नेक्स्ट 18 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 54। इसका मतलब जिनान का जो एटॉमिक नंबर है वो 54 होगा। देन आप नेक्स्ट मैजिक नंबर 32 ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 और 4 6 हो गया और 8 क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो देखिए किसी का भी हमें याद नहीं रखना पड़ा, बस मैजिक नंबर के ट्रेंड याद रखने हैं। और पहला हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 2 था। उसके बाद सारे मैजिक नंबर जिनको मौका मिला दो दो बार रिपीट किए, 8 दो बार रिपीट किया, 18 दो बार रिपीट किया, लेकिन 32 को दो बार मौका मिला ही नहीं, वो एक बार रिपीट किया, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी वो काम कर सकते हो। इसका नंबर कितना होता है? 1 होता है हाइड्रोजन का। अब लिथियम का पता करना है तो चूंकि इसके बाद अभी हीलियम था तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, 2 ऐड करेंगे आप यहाँ पे। जब 2 ऐड करेंगे मैजिक नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। फिर क्या ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 8 और प्लस 3 11। फिर 8 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 19 हो जाएगा। अब 8 नहीं ऐड करेंगे, दो बार ऐड कर चुके, अब 18 ऐड करेंगे, तो 18 ऐड करेंगे तो 18 ना 36 प्लस 1 37 37, और फिर ऐड करेंगे 18, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। फिर 32 ऐड कर देंगे, 32 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा? 7 और 87 फ्रांसियम का 87 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब देख लीजिए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम फर्स्ट से यहाँ पे आ रहे हैं तो हम क्या ऐड कर रहे हैं? 8 ऐड कर रहे हैं, तो ट्रेंड याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर आपको आना होता नाइट्रोजन का क्या होता है? कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। अब यहां से अगर नीचे आते तो क्या ऐड करते? देख लीजिए, यहां से आने में 8 ऐड करना है तो 8 7 15 हो गया। फिर कितना ऐड करेंगे यहाँ पे? कितना है यहाँ पे? 18। एक बार वेरीफाई कर ले आर्सेनिक का, किसी के सामने पीरियड टेबल खुली हुई है? कौन था? आर्सेनिक था, 33 है। 33 का मतलब क्या हुआ? 18 ऐड हुआ है ना, यहाँ 18 ऐड हो गया, तो ये हो गया आपका 33। और फिर आपका कितना ऐड होगा? फिर 18 ऐड होगा तो कितना आने वाला? 8 3 11 1 और 3 1 4 1 5 51। अब क्या होगा? 32 ऐड होगा, तो 32 ऐड होगा तो ये 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 83 हो गया। समझ आया? तो यहां से यहां आके हम लोगों ने क्या 8 ऐड किया और फिर क्या ऐड? 18 ऐड किया और फिर वापस 18 ऐड किया और फिर क्या किया? 32 ऐड किया, ठीक है। तो किसी का भी पता है ये ट्रेंड हमेशा यहां से यहां तक चलेगा पूरा, क्या क्या है? 8 18 18 32, 8 रिपीट नहीं करेगा है ना, 18 यहां रिपीट करेगा। क्योंकि देखिए पहले से दूसरे में आते थे हम लोग तब 8 ऐड होता था, लेकिन पहले में तो एलिमेंट ही नहीं है पहले पीरियड में, तो 8 की रिपीटेशन सीज हो गई, पहले ही एक खत्म हो गया, इसीलिए एक बार रिपीट किया है वो। 18 दो बार रिपीट किया है, 32 एक बार, ठीक है।
इसी तरह से अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो बोरान है ना अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो कार्बन का 6 होता है तो सिलिकॉन का कितना होना चाहिए, 8 ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 14 हो गया। उसके बाद फिर जर्मेनियम का 18 ऐड कर देंगे 32 आ जाएगा, और फिर इसका 50 आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, है ना। तो किसी एक का पता है हम लोग बहुत आराम से मैजिक नंबर को यूज करके, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कैसे रिपीट कराना है मैजिक नंबर्स को। तो मिटा रहे हैं इसे, है ना। अब आईपीएससी नोमेनक्लेचर, ये आपको एक मास्टर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आईपीएससी फॉर एलिमेंट एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 है, 102 है, 103 है ना, या 116 है, तो इसके लिए आईपीएससी ने रिकमेंड किया कि इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, है ना, आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो सबसे पहले डिजिट्स है ना, जो याद रखना है हमको डिजिट, इनके रूट्स है और अब्रेशन हो गया, तो डिजिट हमारा कोई भी नंबर होगा वो जीरो, है ना, जीरो को हम लोग कहते हैं नील। अब किसी का नंबर आता है ना, नहीं आता है नंबर, एक को नंबर आया तो नील बटे सन्नाटा, ठीक है, तो क्या है नील है, ये जर्मन वर्ड हो गया एक तरह से। फिर क्या हो गया वन, वन के लिए अन यूज होता है, अन, टू के लिए बाई, थ्री के लिए, अब ये याद रखना है 10 तक, है ना, थ्री के लिए ट्राई है, फोर के लिए क्वाड्स, नहीं टेट्रा हम लोग कह लेते थे उसमें केमिस्ट्री में, है ना, क्वाड्स, और फाइव के लिए पेंट है, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप, एट के लिए सेप्ट, किसके लिए होता है, सेवन के लिए सेप्ट होता है, क्योंकि एच एच मैच कर जाएगा ना, तो यहाँ पे सेवन कर दिए, है ना, सेप्ट, हाँ सेवन को यहाँ पे, चूंकि एच हेक्स हो गया, सबका पहला डिजिट डिफरेंट होगा, है ना, कोई दो का मैच नहीं करेगा, यही वजह है कि यहाँ पे जो कन्वेंशनली हम लोग टेट्रा कहते थे उसको बदल दिया गया, ताकि पहला लेटर क्या हो जाए, बदल जाए, वरना यहाँ पे ट्राई में भी टी है और टेट्रा में भी टी हो जाता है। हेक्स सिक्स के लिए है और सेवन के लिए क्या हो गया, सेप्ट हो गया, होना चाहिए था हेप्ट, है ना, लेकिन ये यहाँ पे बदल दिया गया, क्या हो गया, सेप्ट हो गया। एट के लिए ऑक्ट हो गया, ऑक्ट, और नाइन के लिए हो गया, नहीं नॉन नहीं है, इन है, ई डबल एन, ई डबल एन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इनका अब्रेशन क्या हो गया, पहला पहला लेटर हम लोग क्या करते हैं, अब्रेशन यूज करते हैं इनका, पहला पहला लेटर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और पी हो जाएगा, एच हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ओ हो जाएगा, और ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब्रेशन जब हम लोग नाम लिखेंगे, ये बना लीजिए तो कुछ क्वेश्चन किया जाए, ताकि नाम लिखा जाए समझ में आए कैसे करते हैं।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट, उसको फिर कर दोगे तो स्टॉप है ना, तो वो काम कर दो नहीं तो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सबका हम लोग क्या लेंगे, इसका नाम लिखना है तो रूट वर्ड इस्तेमाल होगा। तो वन के लिए क्या इस्तेमाल होगा, अन, क्या होगा अन। उसके बाद जीरो के लिए क्या है, निल है, कंटिन्यू करेंगे निल। उसके बाद वन के लिए फिर अन, और फिर आई यू एम है ना, ये एक्सटेंशन होगा ई एम करके, ठीक है, दैट इज ए एक्सटेंशन, तो इसका नाम हो गया ठीक। अब सिंबल क्या अलॉट होगा, तो पहला पहला लेटर क्या क्या होगा, यू है, और इसका क्या था एन था, और उसका क्या था यू था, तो इसे सिंबल जो अलॉट होगा इसको यू एन यू अलॉट होगा। तो ये सिंबल हो गया 101 के लिए, ठीक है। अब लिख लेंगे बड़े आराम से, ट्राई करो 105 के लिए। तो वन के लिए बताइए क्या लिखेंगे, फिर से अन, जीरो के लिए नील, और फाइव के लिए क्या था पेंट, ठीक है। उसके बाद आई यू एम एम, सिंबल क्या अलॉट होगा, यू हो जाएगा, एन हो जाएगा, और पी हो जाएगा, तो यू एन और पी हो गया। 108 के लिए क्या हो जाएगा, वन के लिए फिर हो गया अन, निल, ऑप्ट, आई यू एम, ठीक है। फिर सिंबल क्या हो जाएगा, यू एन ओ, सिमिलरली अन अन, फिर क्या हो जाएगा टू है बाई। ध्यान रहे जब भी बाई का आई आएगा है ना, फिर आई यू एम एक्सटेंशन तो दे ही रहे हैं, इसलिए उस आई को रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बाई में जो आई होगा अगर ये आखिरी में आता है तो ये रिपीट नहीं होगा, इसी तरह से ट्राई का आई आता है ये भी रिपीट नहीं होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ एक बार लिखेंगे आई यू एम, सिंबल क्या अलॉट होगा, यू यू और बी हो गया। अब आखिरी बचा 116 के लिए क्या करेंगे, अन अन, और क्या था सिक्स के लिए हेक्स, और आई यू एम हेक्सियम, और अलॉट क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा आपका यू यू एच, ठीक है। तो बड़े आराम से अगर लिखने के लिए आता है तो आप लिख लोगे, रुक पॉज करो। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप, इससे क्या होगा कि एलिमेंट की पोजीशन को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे। तो कैसे पता करेंगे, हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, पहला इन्फॉर्मेशन है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे दिया जाए, एंड देन आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, पीरियड ब्लॉक और ग्रुप। अदरवाइज सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, देन आपको पीरियड ब्लॉक और ग्रुप बताने हैं। तो दैट मींस दो तरह से आपको पूछा जा सकता है, या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा या फिर क्या दिया रहेगा, ठीक। तो केस वन करते हैं, व्हेन केस क्या हो गया, क्या दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन, ठीक। अब इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा तब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो ब्लॉक कैसे पता करते हैं, ब्लॉक दैट इज इक्वल्स टू क्या कहेंगे, लिखिए सबसेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसेल विच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा
ब्लॉक, जैसे अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में गया है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी, डी में गया है तो डी, और एफ में गया है तो एफ ब्लॉक। तो काफी आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बता सकते हो। अब ब्लॉक के बाद क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। हेडिंग डालिए पीरियड, लिखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन क्या है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रोल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ई डॉट सी। तो दो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना बहुत ही आसान होता है ना, ब्लॉक पता करना और पीरियड पता करना, ग्रुप में थोड़ा सा मेहनत करना होता है, ठीक है। अब ग्रुप में चार केस होगी, हमें यह पता होना चाहिए कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है, उसके लिए अलग, हर ब्लॉक के लिए अलग अलग नियम है। तो अगर हम लोग पहला केस मानते हैं, इसमें पहला पार्ट हो गया, पहला हम लोग केस बना लेंगे कि एलिमेंट बिलोंग्स टू कहां पे है, एस ब्लॉक का है ना, एलिमेंट इज मेंबर ऑफ एस ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक तो हमें पहले ही पता चल गया है। अगर वो एस ब्लॉक का मेंबर है तो हम लोग कहेंगे कि अब एस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे, है ना, कि उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है एस में, मतलब एन एस वन है, एस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कहेंगे, तब कहेंगे जो ग्रुप होगा जीआरपी ग्रुप होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर एन एस टू इलेक्ट्रॉन है, एस में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जो इसका इनर कोर होगा, है ना, कर्नल जो इसका होगा वो इनर्ट गैस होगा, है ना, यहाँ आईजी लिख सकते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का दिखेगा, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एडिशनल क्या होगा, एनएस वन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आईजी, और फिर क्या हो जाएगा, एनएस टू हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड केस कि एलिमेंट इज मेंबर ऑफ, कहां हो, किसका मेंबर हो, पी ब्लॉक का मेंबर हो, है ना, एलिमेंट इज मेंबर ऑफ पी ब्लॉक, ये सेकेंड केस हो गई। तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो पी में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया होगा, पी में एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, या दो गया होगा, तीन गया होगा, मैक्सिमम कितना जा सकता है, सिक्स जा सकता है, तो इसका मतलब एक से लेके छह तक कुछ होगा, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, और इससे पहले एस फुल हो गया होगा, एनएस क्या हो गया होगा, फुल हो गया होगा, इसका मतलब, और ये इसका क्या हो गया, आउटर मोस्ट हो गया, इससे पहले क्या हो जाएगा, आपका इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, आईजी होगा। तो इस तरह से आपके पी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नजर आएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, यहाँ पे इसके ऊपर लिख लीजिएगा ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखेगा।
और यहाँ पे लिख लेंगे ग्रुप। ग्रुप कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास तरीका होता है कि हम लोग कहेंगे कि देखिए अगर P में एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, अब ध्यान दीजिए P में अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो S ब्लॉक के दो कॉलम पीछे छूट गए होंगे, D ब्लॉक के 10 कॉलम पीछे छूट गए होंगे। मतलब कितने ब्लॉक छूट गए? दो S के और 10 क्या हो गए? D के। तो 10 D के और 2 S के, 12 तो पीछे छूट गए और 13वां से इसका स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर P में एक इलेक्ट्रॉन गया है तो वो 13 हो जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे 12 प्लस क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन्स, है ना, P इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर 10 प्लस, ये इसी को दूसरी तरह से कैसे सोचते हैं, 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब S प्लस P इलेक्ट्रॉन, है ना, 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन और प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? NS इलेक्ट्रॉन्स और प्लस क्या हो गया? NP इलेक्ट्रॉन्स। कोई क्वेश्चन करें, समझ में आएगा? देखो इसका मतलब हमने ये कहा 12 क्यों, 12 प्लस क्यों कर रहे हैं, ये बस समझाया हमने, क्योंकि दो कॉलम कौन से हो गए? S वाले हो गए और 10 तो क्या हो गए? D के, उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है P में तो 12 प्लस 1 13वां ग्रुप हो गया, P में दो इलेक्ट्रॉन गया है तो 14वां ग्रुप हो गया, और P में 6 गया है तो 18th ग्रुप हो गया। ये बात समझ आया ना, 12 प्लस। अब हमने कहा दूसरा तरीका ये भी है कि हम S इलेक्ट्रॉन भी जोड़े, मतलब उन ब्लॉक्स को जो हम दो ब्लॉक हैं उनको नहीं, बस ये 10 को हटा रहे हैं, कौन से? डी वालों को। ये बात समझ आया ना, क्योंकि उसी के बाद स्टार्ट हुआ है तो हम S वालों को भी काउंट कर ले रहे हैं यहाँ पे दो एडिशनल। तो आई थिंक ये वाला ज्यादा क्लियर है ना, ठीक है। हाँ चलो नोट कर लो। हो गया। अब कौन सा तीसरा केस बचा? अगर वो एलिमेंट कहाँ का हो? डी ब्लॉक का हो, है ना। अगर वो डी ब्लॉक का है तब कहानी बदल जाएगी। तो तीसरा केस हो गया, एलिमेंट इज मेंबर ऑफ डी ब्लॉक। तो जब डी ब्लॉक का होगा तब हम लोग कैसे ग्रुप बताएंगे? ग्रुप इक्वल्स टू, ठीक है, आप सोचो जब डी ब्लॉक स्टार्ट होता है तो उससे पहले कौन छूटा होता है? कितने कॉलम छूट गए होते हैं? दो कॉलम, एक फर्स्ट एल्कली मेटल वाला, है ना, हाइड्रोजन फैमिली या हाइड्रोजन के नीचे जो है, और दूसरा क्या हो गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल। दो ही कॉलम तो छूटते हैं इस ब्लॉक के। इसका मतलब कि हम जो भी डी इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या ऐड करेंगे? दो ऐड करेंगे, है ना। तो 2 प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे यहां पे? 2 प्लस नंबर ऑफ, है ना, जो n माइनस 1 डी में होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया ना कि 2 क्यों करना पड़ा? जो तो छोड़ दिया। हो गया। अब आखिरी बचा हम लोगों का कौन सा है? F ब्लॉक है। तो फोर्थ केस हो गया F ब्लॉक। बैठा दे। तो जो F ब्लॉक है ये कहीं होते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पीरियड में होते हैं। अरे कौन सा, क्या बता रहे तुम लोग? फोर्थ ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, अरे थर्ड ग्रुप है, लिख लीजिए, फॉर एफ ब्लॉक ग्रुप इज ऑलवेज 3। ग्रुप इज ऑलवेज 3।
ठीक है। पॉज कर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पे ब्लॉक पता करना है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है? पी में इलेक्ट्रॉन गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? दैट इज पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक है पीरियड एन की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो पीरियड सेकेंड हो गया। अब ब्लॉक पी है तो उसके लिए ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं? 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, इसका मतलब 12 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 13th ग्रुप हो गया। अब सेकेंड आयुष बताओ आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां इंटर किया है? सर एस में। हाँ देखिए गलत हो गया, ठीक है। अरे सर डी में है, सर डी में डी। हाँ ध्यान ध्यान सुनो, देखो कैसे सोचेंगे, एन ये लिखा गया इस तरह से है, और एन प्लस एल वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल आखिरी में भरा गया होगा। यहाँ पे 4+0 एस का एल वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो 4+0 4 हो गया, और यहाँ 3+2 डी की वैल्यू एल वैल्यू क्या होती है? 2 5, इसका मतलब ये आखिरी में भरा गया होगा। ये बात समझ में आया ना, क्योंकि इसकी एन प्लस एल वैल्यू क्या है? हाईएस्ट है, लिखा वैसे गया है, क्योंकि हम लोग इस तरह से लिखते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि पहले भरा गया होगा या आखिरी इलेक्ट्रॉन उसमें गया होगा, है ना। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा? यहाँ पे। तो इसी टाइप के धोखा होता है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। खैर तो यहाँ पे डी ब्लॉक हो गया, पीरियड एन की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 4 है, बाकी क्या है हर जगह 4 से, तो पीरियड क्या हो गया? 4 हो गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। अब चूंकि ब्लॉक डी हो चुका है तो हम क्या कहते हैं? डी इलेक्ट्रॉन प्लस 2, डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, अब प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7, लेकिन गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बात समझ में आया ना, इसीलिए यहाँ पे एस और डी दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे? एस प्लस डी, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एस प्लस डी 5+1 6, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या चीज, नहीं 2 नहीं करेंगे, 2 किसके लिए कर रहे थे? एस के लिए कर रहे थे, पहले एस 1 भर रहा था, फिर एस 2 भर रहा था, तब डी स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, एस ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो हम टोटल हिसाब किताब अलग नहीं रखेंगे, एस है ना एन एस और एन माइनस 1 डी के सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो वहां पे रूल में हम इंगेज कर सकते हैं, ये बातें नोट कर सकते हैं, क्या है कि एन एस इलेक्ट्रॉन्स और प्लस एन माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन्स, ये बात समझ में ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका? देखो जहां एक्सेप्शन नहीं है वहां भी ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि s 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन किया होगा, लेकिन जहां एक्सेप्शन आएगा d4 और d9 वाले में, वहां भी ये वर्क कर जाएगा, तो ये हर जगह वर्क कर जाएगा, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन और प्लस n माइनस 1 d इलेक्ट्रॉन, तो ये ध्यान रहे इसमें, तो स्टार लगा लेना रिवीजन के लिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5+1 6, तो ग्रुप क्या हो गया? 6। अब आइए इसका ध्यान से, तो बताओ मानसी आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें एस में भरा है कि डी में भरा है? देखो इसका एन प्लस एल वैल्यू कितना आ रहा है? 6+0 6 हो गया, और यहाँ पे 5+2 7, और यहाँ पे 4+3 7, अब तो गड़बड़ हो गया, ये तो ये पहले ही भर दिया गया होगा, एन प्लस एल वैल्यू कम है, लेकिन इन दोनों का एन प्लस एल वैल्यू क्या है? इक्वल है, तब किसमें भरा गया होगा? किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसकी एन वैल्यू ज्यादा होती है, रूल लिखवाए थे ना कि जब एन प्लस एल मैच कर गया होगा तब हम क्या देखते हैं? एन वैल्यू देखते हैं, इसका मतलब ये कहां गया इलेक्ट्रॉन? डी में गया है, ना कि एफ में गया है, ये बात समझ में आ गया? तो हम एफ नोट किए हैं। तो क्या हो जाएगा ये?
डी हो जाएगा, और डी है, और पीरियड कितना हो गया, एन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, कहां से एन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, सिक्स है। अब डी है तो हम क्या कहेंगे, दो और प्लस एट क्या हो जाएगा, तीन। ठीक है, हाँ ये तो सबसे आसान, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एस ब्लॉक है और पीरियड क्या हो गया, हाईएस्ट वैल्यू एन की दो है, और एस ब्लॉक है तो एनएस इलेक्ट्रॉन्स दो हो गया। किसका, ये अच्छा क्रिप्टन प्लस ये, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी में गया है ना, क्योंकि पांच प्लस जीरो पांच, डी हो गया, सही है। पीरियड फाइव हो गया और ग्रुप एस है ना, फाइव एस इलेक्ट्रॉन और फोर डी इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, दस प्लस दो बारह, ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, ज़ीनॉन क्या है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस को कहाँ लोकेट किया जाता है, कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, तो ब्लॉक तो पी हो गया, ग्रुप 18 उतरता ही रहता है सब कुछ है ना, ग्रुप 18 हो गया। अब पीरियड वहीं से याद रखते हैं, ये उस निमोनिक से याद रखेंगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, है ना, वहां से निकालेंगे इसको, इसको पीरियड कौन सा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कहां दिया है, पीरियड निकल जाएगा ना, हे नानी आराम कर, हे नानी आराम कर जिंदा, इसी के ना, तो ये पीरियड वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, तो फाइव पीरियड हो गया। हो गया, कर लेंगे हम लोग ऐसा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि जब आपके पास क्या दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो, तब कैसे पता करते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रेंड पढ़ेंगे कि कैसे कौन से एक्सेप्शंस आते हैं, ट्रेंड कैसे वेरी करता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, साइज,